हेलो दोस्तों, तो की हाल चाल, आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की वो 5 टिप्स के बारे में, जिससे कि आप अपने दोस्तों में और अपने अलग ही क्राउड में अलग ही दिखा सकते हैं कि भाई देख मेरे को ये चीज़ करनी आती है, क्या तेरे को करनी आती है? नहीं ना, तो ऐसी 5 टिप मैं बताऊँ जिसमें से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 3 टिप के बारे में तो आपको ऑलरेडी शायद पता भी हो और 50% को ना भी पता हो, पर जो 2 टिप मैं आपको ऐसी दूंगा जो शायद ही आपको पता हो, क्योंकि मुझे भी वो अभी रिसेंटली भी पता पड़ी है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि आप वैसे बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अनदर पर्सन की स्टोरी को कैसे व्यू कर सकते हैं बिना उसे पता लगाए बिना। इसके गाइस 2 तरीके, जिसमें पहला तरीका तो ये, आपको अपना इंस्टाग्राम खोलना है। इंस्टाग्राम को जैसे आप रिफ्रेश कर लेंगे तो आपको नेट बंद करना है, और जिस भी बंदे की आपको स्टोरी देखनी है आप उस स्टोरी को क्लिक करिए, मतलब देखिए, और फिर उसे बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम को स्टोरी से हटाने के बाद नेट खोल के देख सकते हैं, अगर वो दूसरा बंदा भी देखेगा तो उसे पता नहीं पड़ेगा कि आपने उसकी स्टोरी व्यू कर ली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल बिल्कुल चलता हुआ दिखा रहा हूँ, आप उसकी टेंशन मत लेना। तो गाइस ये तो हो गया इसका पहला तरीका। तो गाइस इसका दूसरा तरीका है, एक वेबसाइट है जिसको आपको क्रोम में डालना है, instaview.me, जिसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस बंदे का यूज़र नेम डालना है जिस बंदे की आपको स्टोरी देखनी है, तो वहाँ से आप उसकी स्टोरी देख भी सकते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, उसे बिल्कुल पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने उसकी स्टोरी डाउनलोड भी कर ली है और व्यू भी कर लिया। तो गाइस इस बात की आप टेंशन ना लें। गाइस अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ, यानी कि जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा आपने बहुत सारे लोगों की फोटो में देखा होगा उसमें 3D इफेक्ट्स में नाम लिखा रहता है, स्टेटस लिखा रहता है, आपको वो कैसे लिखना है बिना किसी अदर एप्लीकेशन के यूज़ करे बिना। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम से ही कैसे उसे 3D में लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी हर्ष लिखा हुआ है मेरी ही फोटो पर। अब इसे 3D बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सिंपल व्हाइट कलर में, किसी भी कलर में आप ले लें, मैं सजेस्ट करूंगा व्हाइट कलर में, अगर आपको 3D में ज़्यादा अच्छा दिखाना है व्हाइट कलर में अपना नाम लिख लीजिए, फिर उसके ऊपर अपना ही एक और नाम लिखिए ब्लैक कलर से, और उसे उसके ऊपर बिल्कुल लाके ऐसे पेस्ट करना है आपको, बस थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से गैप रखना है, आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसे रखना है कि उसकी ऐसे लगे ये शेडो आ रही है। तो गाइस इस टाइप से कुछ आप अपने स्टेटस को या किसी भी चीज़ को 3D में भी लिख सकते हैं बिना अदर एप्लीकेशन के। अब बढ़ते हैं अपनी 3rd टेक्निक की तरफ, जिसमें गाइस मैं आपको बता दूंगी गाइस थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, जो कि मुझे भी अभी अभी बिल्कुल पता पड़ी है कुछ टाइम पहले, और मैं गारंटी देख सकता हूँ आपको या आपके दोस्तों में से 90% किसी को भी ये नहीं पता होगी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप से कि एक आप अपने इमोजी को अपनी वीडियो पर कैसे रख सकते हैं, वो भी बिना किसी उसकी जगह से हटे बिना, लाइक उसके फेस पर रख देना बंदे की और वो इमोजी उस फेस से हटे ही ना। आप लाइव एग्जाम्पल तो देख ही पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसे आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जाना है अपने इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जिस वीडियो पे आप अपना वो इमोजी लगाने वाले हैं, तो जैसे आप उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको सेलेक्ट करना है वो इमोजी, तो करना ही पड़ेगा। इमोजी सेलेक्ट करने के बाद आपको उस वीडियो पर सेट कर लेना है, और उसके बाद उस इमोजी पर करना है आपको लॉन्ग प्रेस, तो वहाँ पर गाइस एक ऑप्शन आ जाएगा पिनिंग का, तो वहाँ पे जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे पिनिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्लाइड करके, तो सबसे पहले आपको पिनिंग वहाँ करनी है जहाँ से वो आपको इमोजी स्टार्ट करना है, और पिनिंग वहाँ भी करनी है कि आपका इमोजी उसी जगह पर सेट रहे। लाइक अब जैसे मैं हाथ पे इसको लगा के दिखा रहा हूँ इमोजी को, तो आपको ये देखना है कि हाथ पे ही लगा रहे और कितने पॉइंट से स्टार्ट होना है। तो गाइज ये थी वो ट्रिक। गाइज अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 4 की तरफ, जिसमें गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर बंदे का कमेंट को कैसे ब्लॉक कर सकते हो उसे बिना पता लगाए बिना, और वो सोचता रहेगा कि मेरे को तो ब्लॉक ही नहीं हूँ, मैं कमेंट कर दूँ कुछ भी कमेंट कर दूँ पर उसे लगेगा कि मैं तो कमेंट कर रहा हूँ तो ये सब कुछ हो रहा होगा। नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप पर्टिकुलरली किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं इस ट्रिक में, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और वहाँ पे जाना है आपको प्राइवेसी में, वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कमेंट ब्लॉक करके, एक ऑप्शन आ रहा होगा उसे ही आप जैसे खोलेंगे तो उसके बाद वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर नाम डालने के लिए आएगा कि इस बंदे का आपको पर्टिकुलरली कमेंट ब्लॉक करना है। तो गाइस यही थी वो सिंपल ट्रिक। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट ट्रिक होने वाली है इस वीडियो की। गाइस इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कोई भी फोटो की नोटिफिकेशन किसी भी बंदे को भेज सकते हैं बिना उसे टैग करे, बिना उसे मैसेज पे सेंड करे, और वो सोचेगा बंदा ये तो इंस्टाग्राम की तरफ से ग्लिच हो रहा है, ये मेरे को इसलिए शो हो रही है। आप ये अपनी ट्रिक किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी एक्स पे, अपनी जीएम पे, किसी पे भी, बंदे पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी एक फोटो लेनी है इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए, स्टोरी में जाना है और उस बंदे को पहले टैग करना है। जैसे आप उसे टैग कर लेंगे उसके नाम को बहुत सारा छोटा करने के बाद आपको उसके ऊपर एक बड़ा सा इमोजी लगा देना है, और ऐसा इमोजी मत लगाना जिससे उसे डाउट हो जाए कि हाँ भाई इस इमोजी के नीचे भी हो सकता है कि मेरा नाम, तो ऐसा इमोजी लगाना जो आपकी प्रोफाइल या फिर जो भी आप पिक्चर डाल लें उसके साथ वो मैच कर रहा हो।
एक दो इमोजी लगा देना और वो सोचेगा बंदा या बंदी कि ये तो इंस्टाग्राम की तरफ से ग्लिच है, ये तो फोटो आ ही नहीं सकती, ऐसा कैसे आगे हो सकता है। गाइस वो सोचेंगे इंस्टाग्राम की तरफ से ग्लिच हो रहा है, वो इंस्टाग्राम को पोस्ट करेंगे और आपका काम भी बन जाएगा और वो बंदा आपकी स्टोरी भी देख लेगा या बंदी, जिसको भी आप दिखाना चाहते हो। गाइस ये थी वो 5 ट्रिक जो कि कभी कभार मैं यूज कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ, कभी कभार कर लेता हूँ, तो सोचा आपके साथ भी मैं इसे शेयर क्यों ना करूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना गाइस, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है मेरे लिए कि क्या चीज़ मेरे को सही करनी है क्या चीज़ सही नहीं करनी है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बराबर में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर लेना। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।